भरे भरी आंखों से देखते थे, उनके लिए लड़ते थे, उसी भावना के प्रति थी ना श्रद्धा। तभी जब भगवान राम वापस आए वनवास से तो जनता गदगद थी, खुशियां मनाई गई। और आप सोचो, ऐसी खुशियां जो आज भी हम मना रहे हैं, दो दिन में हम वही खुशी मनाने जा रहे हैं कि सत्य ने सत्य की विजय हुई, असत्य का पराजय हुआ। तो उस समय की ये परंपरा है हमारी कि राजा जो है, नेता जो है, इसके दिल में श्रद्धा होनी चाहिए जनता के प्रति, तभी जनता उसको मानती है। तो इस परंपरा को आप तोड़ो मत। ये जो आप पब्लिसिटी में देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, जो आपके जमीन पे नहीं हो रहा है, धरातल पे आप नहीं देख रहे हैं, टीवी पे तो आप देखते हैं कि मोदी जी ने बहुत काम किया, शिवराज जी ने बहुत काम किया, बहुत तरक्की हुई है देश प्रदेश की, टीवी में देखते हैं ना। जमीन पे उतर रही है तरक्की, ये आपके जीवन में तरक्की हुई है कि नहीं? जब आपको नहीं दिख रही है, जब आपको दिख रहा है कि समस्याओं से जूझ रहे हो, परेशान हो, त्रस्त हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, तो ये श्रद्धा जो है ना, थोड़ी कम कर लो, थोड़ी कम कर लो उन नेताओं में जो आपको फुसलाते हैं, धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगते हैं। आप उन नेताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो जो आपके काम को करें, जो आपकी समस्याओं को सुलझाएं, जो ये नौजवान यहाँ खड़े हैं, जो उनको रोजगार दिलवाएं। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रही थी, वहां जाके खुशी होती है भाषण देने में, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि भाई हमारी सरकार ने इतना किया है। यहाँ मध्य प्रदेश में शिक्षा के लिए क्या किया? कोई नया विश्वविद्यालय खोला इतने सालों में? कुछ नहीं, जो है प्राइवेट है। छत्तीसगढ़ में नए नए हजारों नए पाठशालाएं बनी, यहाँ क्या हुआ? 7,000 से ज्यादा पाठशालाएं बंद हो गई हैं, शिक्षकों के पद खाली हैं, शिक्षकों के पद खाली हैं, पाठशालाएं बंद हो रही हैं। कुछ नया नहीं बनाया, नए उद्योग नहीं बने, जो उद्योग चल रहे थे वो बंद कर दिए, जो छोटे व्यापारी थे उनकी कमर तोड़ दी, कभी नोटबंदी, कभी GST, कभी कुछ सहायता ही नहीं की। सारा जितनी भी संपत्ति है आपसे खींची और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचा है इन्होंने। ये सच्चाई है सरकार की। आज देश का किसान 27 रुपए कमा रहा है प्रतिदिन, 27 रुपए। महंगाई इतनी है कि 27 रुपए में क्या मिला है? एक दिन का भोजन भी नहीं मिलेगा आपको, एक दिन का भोजन भी नहीं मिलेगा। प्याज ही आपकी 100 रुपए में मिल रही है आज। मेरी बहनें दुकान जाती है खाली हाथ वापस आती हैं, और मैं जानती हूँ बहनों, जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती, जिस दिन दिहाड़ी नहीं मिलती, तुम ही भूखी रहती हो, सबको खिलाती हो जितना खिला सकती हो, भूखी तुम रहती हो, रात को खाली पेट तुम सोती हो। क्यों हो रहा है ये सब? महंगाई इतनी बढ़ा दी है, उद्योगपतियों के कर्ज माफ हो रहे हैं। अरे जो हजारों करोड़ों का मालिक है, जिसको आपने देश के बंदरगाह दे दिए हैं, देश के हवाई अड्डे दे दिए हैं, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां दे दी हैं, उसके तुम कर्ज माफ कर रहे हो किस लिए? उसको क्या जरूरत है और पैसों की? वो 16,000 करोड़ रुपए एक इंसान अडानी कमा रहा है एक दिन में, बहनों और भाइयों, एक साल में नहीं, एक दिन में 16,000 करोड़ रुपए एक इंसान कमा रहा है, और तुम्हारे पेट में भूख है, तुम्हारे पेट में खाना नहीं जा रहा है क्योंकि तुम 27 रुपए एक दिन में कमा रहे हो। ये न्याय है? ये मोदी जी का न्याय है? ये शिवराज जी आपके मामा जी का न्याय है? और कहते हैं कि महंगाई भाई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आजकल विश्व में बहुत युद्ध हो रहे हैं, तेल के दाम बढ़ गए। अच्छा ठीक है, तो कम से कम सहायता तो करिए फिर हमारी, अगर महंगाई बढ़ रही है, जो कि सच नहीं है, लेकिन आप कह रहे हो, चलो मान जाते हैं आपकी बात कि भाई हमारी गलती नहीं है, पूरे विश्व में महंगा पड़ रहा है सब कुछ, तो फिर हमारी सहायता तो कर लीजिए, गरीबों की सहायता तो कर लीजिए, जैसे कांग्रेस के प्रदेशों में हो रही है, इलाज के लिए पैसे दे रहे हैं आपको, ग्रामीण रोजगार बढ़ रहे हैं, जहां से किसान पलायन करके जा रहा था शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए, वो वापस आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में खेती किसानी बढ़ रही है, लोग वापस आ रहे हैं खेती करने के लिए,
कह रहे कि भाई अब शहर में क्या भटके, घर घर आ जाते हैं, गांव में रोजगार मिल रहा है। ये तो मनरेगा भी बंद करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, उसको भी मजबूत नहीं कर रहे हैं। तो आप मजबूत कैसे बनोगे? जब तक आप नेताओं को सही जो असलियत है अपनी वो समझाओगे नहीं, जब तक नेता सोचेगा कि काम की कोई जवाबदेही नहीं है, आप ही जो मंच पे बैठे उन अच्छे नेता हैं, फिर भी आप इनको 18 साल दे दो और कभी ये मत पूछो कि हमारे लिए क्या किया, कभी ये मत उनको सबक सिखाओ कि भाई काम नहीं किया चलो खदेड़ दिया तो मैं दूसरों की सरकार बना दी, कभी नहीं किया आपने ये काम, तो ये नेता भी बिगड़ जाएंगे। बिगड़ेंगे कि नहीं? बहने, बच्चा बिगड़ता कैसे है? गलत काम करता है, माँ टोकती नहीं है, बाप टोकता नहीं है, बिगड़ जाता है। जिस बच्चे ने गल किसी के घर से कुछ चोरी कर लिया, अनजानी में अनजान में कर लिया, घर आया कुछ लेके, तुमने कहाँ से मिला? अरे मैंने फलाने के घर से ले लिया। क्या करोगी? डांटोगी, थप्पड़ मारोगी, कुछ कहोगी उसको, टोकोगी? तो जब बच्चों को टोक रही हो तो नेताओं को क्यों नहीं टोक सकती? ये तो बहुत बड़ी चोरी है। ये तो जिस आजादी के लिए तो आपके पूर्वजों लड़े, आपके पूर्वज लड़े, ये उस आजादी की चोरी है। ये लोकतंत्र में आपकी शक्ति की चोरी है। ये जो हजारों करोड़ों रुपए इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे रहे हैं ये लोग, हजारों करोड़ों रुपए जो आपके ले रहे हैं ये लोग, ये बहुत बड़ी चोरी है और ये आपसे चोरी है, ये इस देश की धरती से चोरी है। मुझे कोई मतलब नहीं है कौन अपने आप को फकीर बोले, कौन क्या कहे, मामा बोले, फकीर बोले, कोई मतलब नहीं है। जब आप देश की बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां उठाकर कौड़ियों के दाम पे अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को दे सकते हैं तो आप भ्रष्ट हैं। आप अपने आप को कुछ भी कहें, इससे बड़ा भ्रष्टाचार, इससे बड़ी गद्दारी कुछ नहीं है भाइयों और बहनों। कि इस देश की जो संपत्ति है उसी को आपने किसी एक दो गिने चुने लोगों को सौंप दी। ये जो रोजगार है जो आपको मिलने चाहिए, या मेरे भाई खड़े हुए हैं नौजवान, इनको मिलनी चाहिए, ये नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि जहां से रोजगार बनता था उस खेती को खत्म कर दिया, जहां से रोजगार बनते थे उन सरकारी कंपनियों को बेच दिया, जहां से रोजगारी बनते थे जो छोटे छोटे उद्योग थे, जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी, उनको कमजोर कर दिया। जहां से रोजगार बनते थे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसको कांग्रेस की सरकारों ने बार बार मजबूत किया आपको अपने अधिकारों को देकर, उसको आपने खत्म कर दिया। कांग्रेस ने हमेशा आपके अधिकारों की बात की, ये कभी नहीं किया, कहा कि आपको हम दे रहे हैं, आपको हम दान दे रहे हैं। कभी नहीं ये बात किसी भी बड़े नेता से, कांग्रेस के नेता के मुंह से नहीं निकलेगी कि हमने ये किया है आपके लिए, वो किया है। नहीं, बात ये निकलेगी, आपका अधिकार आपको मिला, पट्टे आपको इंदिरा जी ने दिए। क्यों? जानती थी आपका अधिकार है, जमीन पे काम करने वाले आप हैं, पुश्तों से कर रहे हो, इस जमीन पे हक आपका है, इसीलिए आपको पट्टे दिए। शिक्षा अधिकार कांग्रेस की सरकार ने क्यों दिया? आपका अधिकार है,